हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको दिखाएंगे कि लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे गाना कैसे लगाते हैं। दोस्तों, हमने पहले दिखाया था पहले दिन कि लैपटॉप को ऑन कैसे करते हैं और शट डाउन कैसे करते हैं, और इसमें रिस्टार्ट और साइन आउट इनका क्या मतलब होता है, ये सब हमने डिटेल में बताया था। आज हम दिखाएंगे दोस्तों आपको कि इसमें गाना कैसे चलाते हैं, गाना कैसे प्ले करते हैं। तो गाना प्ले करने के लिए दोस्तों आपको इसमें एक प्लेयर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे इसमें VLC मीडिया प्लेयर है, अगर आपके पास कोई प्लेयर नहीं है तो आप नेट से पहले डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कहीं से आप अरेंज कर सकते हैं। तो गाना ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, VLC मीडिया प्लेयर को ऑन करेंगे। ये VLC मीडिया प्लेयर पे जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक का मतलब दोस्तों लेफ्ट क्लिक होता है, और राइट क्लिक को राइट क्लिक ही बोलते हैं, लेफ्ट क्लिक को हम क्लिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ दिखा रहा है प्लेलिस्ट, माई म्यूजिक, वीडियोज, माई पिक्चर्स, यहाँ से दिखा रहा है सब। यहाँ मीडिया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। हमें जो भी गाना चलाना है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फाइल में जाके हम गाने को चला सकते हैं। जैसे हम इसमें से कर सकते हैं। जो भी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं, आप मीडिया में जाएंगे, ओपन फाइल में जाएंगे, या फिर कंट्रोल ओ दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो ओपन फाइल में जाएंगे तो वहां पर से फाइल ओपन हो जाएगी। जो भी हम फाइल चलाना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम अब हम गाना चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से प्लेलिस्ट में जाएंगे,
पॉज करने के लिए दिया है, स्लोअर करने के लिए दिया है, प्रीवियस स्टॉप करने के लिए, ये सारे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों इसमें। ये देखो दोस्तों, बुकमार्क सेव करने के लिए सारे ऑप्शन दिए हैं और चीज़ों के लिए दिए हैं। देखो प्लेलिस्ट को चेंज करने के लिए दिए हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर से ऑप्शन दिए हैं। इसके अलावा हम इसे अगर कभी कुछ दिक्कत आती है तो इसको हम रिसेट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद सेव करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये था कि हम इसमें प्लेयर कैसे चला सकते हैं। अब हम दूसरा प्लेयर दिखाते हैं आपको। एक तो मीडिया प्लेयर इसमें खुद से इंस्टॉल होता है, मीडिया प्लेयर से चला सकते हैं हम गाना। दूसरा वीएलसी मीडिया प्लेयर भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। एक केएम प्लेयर आता है, केएम प्लेयर देखना पड़ेगा इसमें है या नहीं अभी। तो ये दो तीन प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इसके अलावा भी प्लेयर आते हैं दोस्तों, एमएक्स, कई सारे प्लेयर आ रहे हैं आजकल बाजार में। अभी हम देखते हैं अगर इसमें फाइल सेव है तो। डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में जाएंगे। ये है दोस्तों गेम प्लेयर। अभी हम प्लेयर को इंस्टॉल करना भी दिखाते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। ये हमने डाउनलोड किया था, यहाँ पे एक्सटेंशन आया है इसका, ईएक्सई का मतलब एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन फाइल को हम रन कराएंगे। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं देखो दोस्तों। रन में क्लिक कर देंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम इसको पहले जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसे डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन फाइल पे। जो भी एक्सटेंशन फाइल होगी उसकी वही इंस्टॉल होती है दोस्तों। कुछ टाइम लगाएगा तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते रहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। रिफ्रेश करने के लिए राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे कहीं पे भी, और राइट क्लिक करके रिफ्रेश का तीसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। प्रेस कर देंगे इसको, ये प्रोसेसिंग होने में टाइम लगा रहा है।
लैपटॉप पर नेट कैसे चलाते हैं। नेट चलाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले अपनी विंडो की राइट कॉर्नर पर जाना पड़ेगा। अपने मोबाइल में हमें सेटिंग करनी पड़ेगी, अपने मोबाइल में मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। यहाँ जाएंगे और इसमें यहाँ पे राइट कॉर्नर पे वाईफाई का ऑप्शन है, वाईफाई को ऑन कर देंगे तो ये हमें दिखा देगा कि हमारा कौन सा डिवाइस आई है, तो उसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। क्लिक करेंगे कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होते ही ये थोड़ा टाइम लेगा, कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आइकन शो करेगा दोस्तों। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद अब हम सेटअप चलाएंगे तो सेटअप ऐसे दिखाएगा, बिना नेट के नहीं चल रहा है तो उसके लिए नेट जरूरी है। तो देखो दोस्तों, जैसे हम सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आएगा, तो अब हम कैम प्लेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नीचे राइट कॉर्नर में आएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इसको क्लिक करेंगे जैसे ही तो प्रोग्रेस में भी सेवरल मिनट्स यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा और ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पर भी हमें फिर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाएगा वहाँ पर हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे। थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा दोस्तों, बाकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड है। 88% हो गया है, 92%। हम मिनिमाइज कर देंगे तो गेम प्लेयर का शो होने लग गया है। तो यहाँ पर आएगा देखो दोस्तों, इंस्टॉलर लैंग्वेज इंग्लिश ही रखेंगे हम, और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब ये सेटअप ऑटो कंप्लीट होगा। अब हम देखो दोस्तों, यहाँ पर वेलकम टू केएमपी प्लेयर सेटअप में आएंगे। इसमें इस स्क्रीन आने के बाद हमें क्या करना है, नीचे इसके बारे में दिखा रहा है कि 3D प्लेयर है, 100% फ्रीवेयर है, तो इसको हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट में क्लिक करते ही यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट में आएगा, तो इसको हम आप देखना चाहें तो यहाँ से स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं कि क्या क्या लाइसेंस एग्रीमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो इसको हम आई एग्री कर देंगे। एग्री करते ही ये ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, इसके बाद हम इसमें ऑप्शन दिखाएगा ये आप कैम प्लेयर SDK को भी चूज कर सकते हैं या इसको बाय डिफॉल्ट रहने दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये दिखाएगा कि फाइल लोकेशन आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो अब ये सी के अंदर दिखा रहा है, तो ऐसे हम बाय डिफॉल्ट सी को ही सी में रख देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। तो इंस्टॉल करते ही
ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होने लगती हैं फाइलें। थोड़ा टाइम लगाएगा दोस्तों, फाइल कॉपी करेगा ये, इसकी जितनी भी फाइलें हैं वो सबको कॉपी करेगा। इसके बाद देखो दोस्तों ये आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सीसी प्लस को मांग रहे हैं, तो आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट लाइसेंस को कर देना है। इसके बाद नीचे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे जैसे बता रहा हूँ दोस्तों ऐसे ऐसे करना है, अगर आप दूसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका ये सही से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। अब लास्ट में यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का दिखाएगा, इसे हम फिनिश कर देंगे। तो ये गेम प्लेयर इंस्टॉल हो जाएगा हमारा दोस्तों। इंस्टॉल होने के बाद ये हमारे डेस्कटॉप पे और स्टार्ट मेनू पे यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा गेम प्लेयर का। अब यहाँ पर आएगा हमारा गेम प्लेयर को रन करना है करके, रन के एम पी प्लेयर पर क्लिक कर देंगे, अगर क्लिक नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर हम फिनिश कर देंगे, तो सेटअप हमारा फिनिश हो जाएगा। इसे स्क्रीन आएगी, इसे हम यस कर देंगे। अभी ये कह रहा न्यू वर्जन है अवेलेबल, तो नया वर्जन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ऑटो अपडेट लगा देंगे, उसे क्लोज कर देंगे विंडो को। तो ये हमारा प्लेयर आ गया है, ये गेम पे प्लेयर आ गया है हमारा। अब हम आपको इसमें एक ऑडियो वीडियो चला के दिखाएंगे दोस्तों। इसको यहाँ से ड्रैग करके ले जाएंगे कैंपिंग प्लेयर पर, छोड़ देंगे। तो फाइल चलने लग जाएगी। प्लेयर पे चलने लग जाएगा दोस्तों, हम इसकी स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे हम कोई भी फाइल को चला सकते हैं, इसमें कंट्रोल होकर के ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने फाइल इंस्टॉल करना सीखा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखा और कैसे म्यूजिक चला सकते हैं अपने सिस्टम पे ये सीखा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इसे पूरे विश्व में फैला दें दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।